हैं कि आपका क्या ख्याल है, कराची के बीच सेफ है? बहुत सारे लोग डरते हैं कराची के बीच पे जाने से। जो भी मसले मसाइल हो, महंगाई हो, कराची वाले जिंदा दिलाने कराची के सबके ऐसे झूठ पड़ जाते थे। ओके। और उसका मजा खा ले। अस्सलामुअलैकुम और वेलकम बैक टू अशर सेलर व्लॉग्स। तो भाई बात ये है कि हमने पहले दिन की दावत तो खा ली थी, मगर ये कि जो मेरी अम्मी अब्बू थे उनके घर में हमेशा जो है वो ईद के तीसरे दिन को नॉर्मली जो है वो दावत होती थी, सारे बहन भाइयों को बुलाया जाता था उसमें, और जो है वो एक बारबेक्यू पार्टी का भी रख लेते थे, कभी कोई बिरयानी शिरयानी बना ली। इस वक्त हमारे पास घर नहीं था ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे मेरा अभी अपना कोई पर्सनल घर तो है नहीं पाकिस्तान के अंदर। तो हमने ये सोचा कि यार कुछ ऐसा करते हैं जो बाहर रखे, मतलब थोड़ी आउटिंग भी हो जाएगी, कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी हो जाएंगी और खाना पीने के साथ बारबेक्यू भी हो जाएगा। तो भाई इस वक्त हम लोग जा रहे हैं होम्स पे और फैमिली के साथ जबरदस्त सा प्लान बन गया था, तो फिर उन लोग के साथ हम जाएंगे होम्स पे, आपको भी साथ लेके चलेंगे फ्रॉम आवर होम टू होम्स। गाइस यहाँ पे अभी गिनती हो रही है लोगों की, ताकि देखने की कितनी गाड़ियाँ जा रही हैं। हमारे पास 3 गाड़ियाँ अवेलेबल हैं। दुनिया भर में जो बीच जाने के रास्ते होते हैं वो बहुत ही खूबसूरत होते हैं, मतलब गवर्नमेंट ने दरख्त लगाए हुए होते हैं, ग्रीन बेल्ट बनाई हुई होती है और एक खूबसूरत रोड होती है। बट अगर कंपेयर करें कराची को तो यहाँ पे तुम ये देखो, ये ट्रक जो है वो खड़े किए हुए, गंदी रोड हो रही है और मतलब रोड का हाल भी बहुत बुरा है, मतलब टूटी फूटी है ऑब्वियसली, मतलब पूरे कराची की रोडों का यही हाल है। काश कि जो है वो इसमें मतलब दुबई जैसी क्या उन्होंने रोडें बनाई हुई है वहाँ पे, और खूबसूरत एक माहौल होता है बीच जाने के लिए, एक वाइब आ रही होती है। बट यहाँ पे ट्रक स्टैंड के अलावा कोई वाइब नहीं आ रही होती, बट जब बीच जाते हैं तो अच्छा लगता है। तो अब जब बीच जाएंगे तो फिर जब दिखाएंगे। तो अगर मैं दूसरे बीच की बात करूँ यहाँ पे, मतलब कराची के अंदर और गवादर में बेहतरीन खूबसूरत बीचेस हैं, अगर उसका सही तरीके से वो डेवलपमेंट करे गवर्नमेंट यहाँ पे, तो एक जबरदस्त टूरिज्म जो है वो जनरेट हो सकता है और उससे जो है वो इकोनॉमी को काफी फायदा होगा। बट यहाँ पे मतलब उस तरह ध्यान नहीं दिया जाता, बल्कि उसको छोड़ दिया जाता है और बड़े मसले मसाइल होते हैं इसमें एक सबसे बड़ा मसला लूटामारी का भी होता है। तो लोग जो है वो जाते हुए ऐसी जगहों पे थोड़ा कतराते हैं, डरते हैं, थोड़ा अवॉइड करते हैं कि यार मतलब ज्यादा लोग के साथ जाएं, लड़के लड़के तुम लोग चले जाओ, फैमिलीज के साथ ना जाएं। ये भी बड़े मसले मसाइल होते हैं कि भाई मोबाइल छीन लेंगे, सामान छीन लेंगे, क्या क्या चीजें होंगी। तो अगर गवर्नमेंट इन सब चीजों का ध्यान दे तो बड़ा फर्क पड़ जाएगा लिटरली। देखो हम लोग आइस बॉक्स लेने के लिए उतरे हैं यहाँ पे, यहाँ से बर्फ को लेंगे ताकि बोतल ठंडी ठंडी हो जाए यहाँ पे फुल ऑन। कोल्ड ड्रिंक कितनी आपकी? कोल्ड ड्रिंक डाल लेते ना, जम्बो 6 हैं। 6 जम्बो? हाँ। इसमें आएगा वो कितने का दे रहे हो? ये 800 रुपए की। और ये? ये 500 रुपए रेंट होगा। इसे ठीक लगा दो, इसके सही लगा लो। और ये मैंने रास्ते से एक टोपी ली है, बड़ी जबरदस्त सी। ये टोपियाँ यहाँ पे लगी हुई है लड़कियों के लिए, जिनको लेना हो भाई ले सकती हैं। एक टोपी कितने की है ये वाली? ये 300 की। ये कितने की दे रहे हो? ये 600 की, 300 की। सही सही लगा लो यार, इसके 400 लगा लो, चलो दे दो। कितने होंगे? 1550। 800 सही है ये आप 4। तो गाइस हमने बर्फ यहाँ से सब कुछ ले ली है, बस अब हॉक्सबे की तरफ डायरेक्ट जा रहे हैं। द
10 मिनट का रास्ता है, वहाँ पे पहुँच जाएंगे और उसके बाद फिर दिखाएंगे। हमने बीच हट भी पहले से ही बुक करवा लिया था, तो हमारी जो है वो मामी है, उन्होंने जो है वो बात करके बुक करवा लिया था। तो देखते हैं भाई किस तरह का बीच हट है, क्या है क्या नहीं है, आगे चल के दिखाते हैं आपको। मैं बता रही थी शेफ को कि मैं जिंदगी में पहली दफा हॉर्स पे जा रही हूँ, ऐसे कह रहे हैं शेफ को हैरानगी हो रही है। हाँ सच्ची बता रही हूँ, मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ क्योंकि हॉर्स पे मतलब दूर बहुत था घर से, तो अम्मी अब्बू के साथ कभी जाना हुआ नहीं, तो अब मियाँ के साथ जा रही हूँ, वो भी 12 साल के बाद शादी के। चलो हॉक्स पे पहली दफा जा रही हूँ, मगर हम लोग ऑस्ट्रेलिया में तमाम बीच पे बॉन्डाई बीच पाम बीच हजारों दफा गए और मतलब अलग ही वाइब होती थी। अब कराची का बीच भी बेहतरीन होता है, मगर ये है कि थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चीजें होती हैं, बट वो उसका अलग मजा होता है, वहाँ का अलग मजा होता है, पाकिस्तान का अलग मजा होता है। जो पाकिस्तान की वाइब होती है फैमिली के साथ, वो ना ऑस्ट्रेलिया में आ सकती है, ना कनाडा में आ सकती है, और ना मियामी बीच में आ सकती है, क्योंकि मतलब अकेले जाने में वो बात नहीं होती जो फैमिली के साथ जाने में बात होती है। ₹100 में क्या दे देंगे, क्या चीज पर्ची दी है ये, बस पर्ची फुदूल सी। एंटर होने की पर्ची, पर्ची को पूछता भी नहीं अंदर। तो मतलब इसकी इससे कोई सहूलत देते मिलती है? सहूलत नहीं है, मगर जग्गा टैक्सन का और कुछ नहीं। देखो हॉक्स भी आती है जो है वो यहाँ पे नमक की जो है वो ढेरियाँ जो है वो नजर आने लगती है आपको यहाँ पे नमकीन, क्योंकि बहुत ज्यादा सेमर थोर की जगह है, नमक बहुत निकलता है इस जगह से। एक और पीछे दो गाड़ियाँ और आ रही है, दो ऑल्टो उनके भी साथी हैं पीछे। पीछे कर, ये दूसरी चुंगी थी। टूल टूल टैक्स, टूल प्लाजा को चुंगी कहते हैं। पहले आपने ₹100 दिए, ये आ गया बंदा। हां यही है, यही होगा। L128 हां L128 है, L128 हां यही है ना। हां L128 आगे, अच्छा नहीं नहीं आगे, ये आगे अभी पहुंच गए हम। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हम लोग पहुंच गए। हाँ यही है, हाँ पीछे को मालूम। बाथरूम है ना सामने, किधर है ये? सही है ना? हाँ सही है, हाँ ठीक है, ठीक है ना? हाँ ठीक है। पीछे जगह भी है ना उधर खेलने की, यहाँ गाड़ी को तो यार करवा लेना अंदर, इधर कर ले यार, कर ले। चलो ठीक है, सही है। हवा बैठ सुन हो गए इनके क्या? चलो कोई बात नहीं, सही हो जाएगा। और पहुंच गए हमें वो भी मिल गया, प्री बुक बीच हाउस। कितने का पड़ा? 5000। हाँ ये सामने वाला पूरा हमारा है, इसमें पीछे वो भी है, ग्राउंड भी है, प्ले एरिया भी है। आ गए भाई बारबेक्यू का सामान। चलो भाई सैफी तुम्हारे बीच टॉयज आ गए, दिखाओ। लेट्स गुड, ये जबरदस्त जगह है शेर। बात इस बीच की है ना, वो बॉन्डाई बीच की है और ना वो मियामी बीच की है, क्योंकि यहाँ पे होती है फैमिली। बॉन्डाई बीच तो जा चुके हैं, मगर मियामी बीच हमारा अगले साल का प्रोग्राम है इंशाल्लाह। बॉन्डाई बीच पे तो हट भी नहीं होते और मियामी बीच भी नहीं होते, और शेड भी शुरू में जाके बैठना पड़ता है सुबह को कि शेड मिल जाए। यहाँ पे तो मैं बुक कराया और आ गए मजे में। सबसे तो मजे में ये इंसान बैठा हुआ है, चिल कर रहा है एकदम, और सामने इसको बीच नजर आ रहा है। मुंह देखो कैसे सफेद हो रहे हैं, बिल्कुल सनस्क्रीन लगा के लग रहा है कि सफेद दाढ़ी हो रही है। लाइफ गार्ड देखो यहाँ पे जो है वो लोग आगे जा रहे हैं, क्योंकि हाई टाइड का सीजन है, जून जुलाई में ऐसे ही होता है। तो बड़ी ये कि हमें शौक था कि बीच पे बारबेक्यू करेंगे इस दफा, खाला को जो है वो पिछले साल भी बोला था मगर मौका नहीं मिल पाया था, तो इस साल हमने कहा कि यार करते हैं लाजमी है। हाई टाइड है, देखो कितनी लहरें ऊपर है, आगे आगे रहेंगे, ज्यादा आगे नहीं आएंगे, मगर ये कि ये लाइफ गार्ड खड़े हैं यहाँ पे इन केस एनी इमरजेंसी। बाकी आप खुद से एहतियात करो, सेफ्टी आपने आपके हाथ में होती है।
लोकेशन देखो यहाँ पे काफी टेक्निक है, अपनी टेक्निक बना के जाए। अच्छा वो पंखा लियो, पंखा लेकर बोले पंखा दे दो। स्मॉल सा टूर हम अपने हट का, ये देखिए यहाँ से हम लोगों ने गाड़ी यहाँ पे सामने पार्क की हुई है और इसके बाद हम यहाँ से चलते हुए आए हैं डायरेक्ट सिर्फ एक मिनट की वॉक और यहाँ से हमारी बीच शुरू हो जाता है। पूरा पानी वगैरह जबरदस्त नजर आ रहा है। ये है हमारा हट, ये आ रहा है सैफ रियान। हम लोग यहाँ से एंटर होते हैं तो सबसे पहले लेफ्ट पे जाके देखते हैं यहाँ पे क्या एक्टिविटी चल रही है। यहाँ पे लेफ्ट पे सारा कच्चा कच्चा है लेकिन इट्स नॉट बैड, मतलब आप बीच पे आओ तो आपको छांव मिल जाती है। और इसके आगे ये सारा का सारा खाली है। इवन हम इसको भी अगर चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं, या बच्चे बच्चे खेलना चाहें तो यहाँ खेल सकते हैं। और यहाँ पे हो रहा है कुछ फोटो सेशन लोगों का, तीन फैमिलीज के साथ हम यहाँ पे आए हैं। और ये रहा जबरदस्त सा बीच व्यू यहाँ पे, और भी हट्स बने हुए हैं। फैमिलीज बहुत आएंगी यहाँ, बहुत अच्छी जगह है यहाँ पे, सब बच्चे फैमिली मियाँ बीवी सब लोग आए हुए हैं यहाँ पे। और जबरदस्त सा ये जो है वो छोटा सा एक पैच है जिसके नीचे, जो शेड के नीचे आराम से बैठे हुए, तो हवा जबरदस्त चल रही है। हाउ डू यू फील कमिंग टू द बीच? गेट बारबेक्यू की प्रिपरेशन शुरू हो गई है भाई। सही हुई, बेहतरीन है, जबरदस्त। लगाओ रोटी मसाला लगा के उसको लगा दो। शावरमा मायो गार्लिक, मायो गार्लिक पेस्ट लगा के जबरदस्त बन रही है। हाँ ये तो हो गई, यही तो हो गई। हाँ चखे क्या सीन है, मजेदार। जबरदस्त यहाँ पे मौसम हो रहा है और माहौल भी अच्छा बना हुआ है। सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है, बहुत सारे लोग डरते हैं कराची के बीचेस पे जाने से, स्पेशली कुछ जो बीचेस हैं तो कहते हैं यार नहीं वहाँ फैमिलीज भी होती हैं, डर के जाए खाली सेफ्टी के इश्यूज। मगर यहाँ पे फैमिलीज हैं, यहाँ पे माहौल बहुत अच्छा है। आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोग भी अगर यहाँ आएंगे हॉट पे बीच पे, अगर कोई हर चीज़ के बारे में जबरदस्त रहेगा क्योंकि आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। और नहीं तो फिर जो है वो खुले में ही बैठ सकते हैं। मुबारक और इंजॉय करते हैं कराची वाले, जो भी मसले मसाइल हो, महंगाई हो, ये हो वो हो, बट कराची वाले जिंदा दिलाने कराची हैं और लाहौर वालों की तरह, और इंजॉय करते हैं कराची और लाहौर दोनों। ये बताएं कि आपका क्या ख्याल है, कराची के बीच सेफ है? हाँ सेफ है, बेहतरीन है अल्हम्दुलिल्लाह। सामने लाइफ गार्ड भी खड़े हैं भाई, इससे ज्यादा आपको और क्या चाहिए फ्री के अंदर। मतलब आपको उस तरह से, आप यहाँ पे टैक्सी भी पे नहीं करते गवर्नमेंट को, फिर भी यहाँ पे सहूलत है। तो थोड़ा बहुत खाना वगैरह भी इंजॉय करो, अगर आपकी जो भी टिप वगैरह दे दे। हाँ छोटा मोटा। ओ भाई यहाँ पे ये कुत्ते क्यों आ गए, यहाँ पे सारे के सारे डॉग तीन तीन यहाँ पे जमा हो चुके हैं। तकरीबन एक घंटा हो गया मुझे भाई पानी में खड़े खड़े एंजॉय करके, बैठी नहीं हूँ मैं क्योंकि गीला नहीं होना चाहती थी। बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे, पीछे का जो है पोर्च है ये भी हमारे पास ही है। अरे यार ये एकेडमी में खेलते हैं, ये देखो यहाँ सब बॉलिंग करा रहे हैं। कैच इट, मैं कौन जीता? कोई नहीं जीता, सुफियान ने इतना बड़ा छक्का मार दिया था दूसरे घर के। बॉल चली गई, छक्का मार दिया, बॉल चली गई। आप लोगों को देख के ऐसा लग रहा होगा कि जैसे हम लोग बड़ी गर्मी में आए हुए हैं, हमें तो बहुत गर्मी लग रही होगी, हम लोग मतलब इस प्रॉब्लम मौसम में क्यों आए यहाँ पे वगैरह वगैरह। लेकिन पता है क्या, जब आप घर में बैठे हुए होते हो तो आपको ज्यादा गर्मी लग रही होती है, बीच
पे आके ठंडी हवा आ जाती है, तो यही सीन यहाँ पे हुआ है। मेरा भी ये ख्याल था कि यार बहुत गर्मी होगी, पता नहीं क्या होगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इतनी अच्छी हवा चल रही है, ठंडी के बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए बेहतरीन मौसम है। अली क्या करता है? अली बॉय, अली भी हमारे पहली दफा आए हैं बीच पे, तो इनके फर्स्ट एक्सपीरियंस है। भाई अली तुम्हें कैसा लग रहा है? खुश हो रहा है? ये देखो नेवले और सांप की लड़ाई होती है इसमें। खूबसूरत टिक्के बन रहे हैं बिना जले। एक बारबेक्यू की शॉप खोल लो, तुमने दुकान खोल लो है, बहुत चलेगी है, फुल कोटिंग वाला बारबेक्यू है, इनको शॉप एक दुकान खुलवाना है, इनको बारबेक्यू की और हमारा भी बंद हो जाएगा, सब उसमें हारूंगा। मेरठ जो है वो सब पकने से पहले खत्म हो जाएंगे, हम ये फ्लॉपी रहेंगे सब हफ्ते में। हां बोलेंगे कल पैसे दे देंगे, परसों दे देंगे, क्या कर दे रहे कि उससे ले ले, फिर वही उसी वक्त मिलेगा, उस वक्त भी शायद मिल जाए, नहीं तो फिर बंदा कहता है चलो माफी कर दे, चलो छोड़ो यार, अब क्या लेना, अब क्या लेना, पैसे क्या लेना। ईरान को बोलेंगे ना ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ऑटोमेटिक कोई सॉफ्टवेयर बना रहे, जब तक पैसे ना जाए ना वहां से, ये बारहवीं क्यों किसी को नहीं जाए, ट्रांजेक्शन कम्प्लीट ना हो, ये वही अलग बात है। फूड पांडा के ऑर्डर कर दो कुछ चीजें बैठे, प्याज स्पेशल तरीके से गुजारा खाने काटी है, और दही रायता चटनी सब कुछ। ये जो मसाला होता है चिकन का, ये इन्होंने इसके ऊपर जो है वो ट्राई किया, बचपन से खा रहे हैं, बचपन से ट्राइड है ये, अच्छी बात है, ट्राइड एंड टेस्टेड, इससे अच्छी कोई चीज नहीं लगती बारबेक्यू के साथ। खूबसूरत खाते हैं वैसे, लेकिन हम नान में कर रहे हैं आज। वैसे हम ये करते थे कि बारबेक्यू बनाना है, उसके नीचे एक वो रखते थे रोटी, वो सारा बारबेक्यू उसमें डालते थे, वो जो आखिरी का नान होता था ना बिल्कुल जूसी, वो उसके अंदर आपके चिकन के बीफ के सबके ऐसे जूस बन जाते थे, ओके, और उसका मजा खाने का। अब ये भी इसमें भी ये कि सारा जूस वो सारा अंदर है, वो उस पर रखिए, वो सिकेगा बेहतरीन और उसको खाएंगे। चलो देखते हैं कैसा बन जाएगी। चलो फाइनली जेंट्स पार्टी की आ गई है बारी, ये लोगों ने बना बनो के अपने बैठ गए सुकून से। चलो भी चाय का सीन कर रहे हैं, ठीक है, तब हमने कोयले की चाय बनाई है जबरदस्त बारबेक्यू के ऊपर, इससे वो याद आ गया शायद हम लोगों ने एक दफा कोयले की चाय बनाई थी, उसके लिए मैं जबरदस्त बनी थी। हम लोगों ने मजे की चाय बना ली है और सी व्यू का जबरदस्त नजारा हो रहा है, समंदर में बैठ के मतलब चाय पीने का अलग ही मजा है, वो दुनिया में आपको सिर्फ कराची में ही आ सकता है। लड़का पार्टी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा बारबेक्यू तुम लोगों ने बनाया भाई, मजा आ गया।